गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 14.1 शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे सांख्यिकी। अब देखिए, सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर माध्य, ठीक है। पहले आपको 14.1 में समांतर माध्य देखने को मिलेगा, उसके बाद 14.2 में हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, माध्यिका के बाद हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली है ये। और देखिए, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए तीन विधियाँ हैं, तीनों विधियों को हम लोग बारी बारी से आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तीनों विधियों को पहले आप लोग फार्मूला जानिए, कैसे ज्ञात करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को माध्य निकालना है तो तीनों विधियों से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का सिंपल सा फार्मूला है, हमें करना क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। अब एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, तो उसे भी हम लिख देते हैं। सिग्मा, देखिए एक्स आई केवल कैसे निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। तो इसे निकालते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे दो, इसे हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, इसे हम लोग मध्य बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मध्य बिंदु ये भी हम कहते हैं। अब आ जाता है कल्पित विधि। कल्पित विधि का सिंपल सा फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये है। अब डी आई कैसे निकालना, देखिए डी आई हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये ए क्या है, आपको आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि बहुत ही बेहतरीन है, इसके माध्यम से हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे और आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पग विचलन विधि को लिखेंगे, फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए, हमें यू आई की जरूरत पड़ेगी, तो यू आई क्या है, तो यू आई होता है डी आई बटे एच, ठीक है। अब ये एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिख देते हैं एच बराबर वर्ग अंतराल, ठीक है। अब देखिए डी आई का आप पहले से फार्मूला जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई के जगह पर एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधियों से आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तीनों विधियों में हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पौधों की संख्या लिखा गया है, जो देखिए किस तरह 0 से 2, 2 से 4, तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है घरों की संख्या, दूसरा वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता को हम लोग एफ आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मध्य बिंदु, क्या आ जाता है, मध्य बिंदु, यहां पर लिखेंगे मध्य बिंदु, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स आई, ठीक है। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता, देखिए यहां पर हमने आपको बताया है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है, तो निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1, 2 और 2 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए बीच में कितने का अंतर है, 2 का, तो आप 2 जोड़ते चले जाइए, सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 जोड़ेंगे 9 होगा,
9 2 11 और 11 2 हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपल सा केवल काम ये करना है कि हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों के गुणे का भी हम लोग कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, यानी एफ आई गुणे एक्स आई ये निकालना होगा। तो दोनों को जो गुणा करेंगे तो आएगा 1, 3 दूनी 6, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 ती 39। ठीक है, तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की। फार्मूला याद होगा तो आप लोग आराम से फार्मूला देखेंगे, हमें क्या ज़रूरत है वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़। ठीक है, तो चलिए हम सब पहले एफ आई निकालते हैं, सिग्मा एफ आई यानी इसका जोड़। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई। तो इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 5 15 15 15 4 19 इसका एक 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये हमें क्या प्राप्त होगा, इसको लाइन थोड़ा से मेट देते हैं, ये क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 162। ठीक है, केवल हमें योग करना है, योग आ जाएगा 162। अब देखिए पहली विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग इन मानों को रखेंगे, तो यहाँ पर ना रखकर हम लोग यहाँ पर बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर पहली विधि क्या है, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हमें निकालना क्या, हम माध्य निकालना, तो लिखेंगे माध्य, हम लोग समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, माध्य को हम लोग x बार से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो कितनी है 162 है बटे में 20 है, इसे काटेंगे 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 इकन्नम 2 यानी 81 बटे 10, 10 एक अंक पर दशमलव लगा देना, 8.1 आ जाएगा 1। ये होगा आपका पहली विधि से आंसर, कितना आया 8.1, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं दूसरी विधि का इस्तेमाल। ठीक है, तो दूसरी विधि का इस्तेमाल के लिए हमें ए जरूरत पड़ेगी, डी आई जरूरत पड़ेगी, एफ आई तो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसमें ये चीज एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम लोग मिट देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। चलिए इसको हम मिट देते हैं, तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा था उसको हमने मिट दिया। ठीक है, हमें निकालना होगा क्या, डी आई, तभी तो हम एफ आई के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो डी आई हम पहले निकाल लेते हैं। डी आई बराबर फार्मूला देखिए हमने क्या लिखा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, और इसको हम खींच देते हैं। ठीक है, अब ए क्या है, हमने आपको बताया था कि आगे चलकर आपको बताएंगे ए क्या है। ए एक्स आई की जो संख्या है उनके बीचों बीच की संख्या, जैसे बीचों बीच में कौन पड़ जाती है, ये पड़ जाता है। ठीक है, ये है आपका ए, देखिए 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे, बीच में पड़ गई। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में ना पढ़कर, मतलब ऊपर नीचे भी पढ़ सकती है, जरूरी नहीं है कि बीच में ही पढ़े, हम ऊपर वाली संख्या भी ले सकते हैं, नीचे वाली संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें डी आई निकालना है, तो डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई देखिए सारी वैल्यू है, एक्स आई से मतलब सारी वैल्यू से हमें 7 को घटाना है, तो 1 से 7 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 6, 6 से 7 को, 3 से 7 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4, 5 से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 2, 7 से 7 घटाएंगे 0, 9 से 7 घटाएंगे 2, 11 से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ठीक है, और उसके बाद 13 से 7 को घटाएंगे, 7 6 13 यानी 4 आएगा। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया क्या, डी आई। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, एफ आई इंटू डी आई, तो हमें उसका अलग से कॉलम बनाना होगा, तो ये हमने बनाया। ठीक है, ये किसका कॉलम है, एफ आई गुणे डी आई का, यानी कि एफ आई और डी आई इन तीन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा, 4 दुनी माइनस का 8 होगा, 2 एकन्ना माइनस का 2 होगा, और उसके बाद 5 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 6 दुनी 12, 4 दुनी 8 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, तो आप आराम से योग कर सकते हैं। देखिए 8 2 10, 10 6 16, माइनस का तो 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 और 8 20, 20 10 30 8 38, हमें 16 से 38 से 16 को घटा देना है, 38 से 16 को घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 22, यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एफ आई गुणे डी आई बराबर हमें प्राप्त हो गया 22। ठीक है, इसे मिट देते हैं और अब हम लोग दूसरी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, कल्पित विधि का। ठीक है, तो दूसरा नंबर माध्य बराबर, माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 7, एफ आई इंटू डी आई है 22 बटे एफ आई कितना है 20, तो ये होगा 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज रह गया है, क्या रह गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना एच रह गया था। ठीक है, एच की आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, इसको सुधार लेना, और इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकन्नम 2 0, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो कितना आएगा, 7 प्लस 11 में 10 का भाग देंगे तो 1.1, यानी जोड़ेंगे 10 वो 7 1 8, 8.1। देखिए पहली वाली विधि में भी 8.1 ही आया था, दूसरी विधि में भी 8.1 ही आया है। ठीक है, तो देखिए दूसरी विधि तो आपकी हो गई, अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग फिर मेटेंगे और तीसरी विधि का इस्तेमाल करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने मेटा है। ठीक है, अब तीसरी विधि में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यू आई की। अब यू आई कैसे निकलता, देखिए डी आई बटे एच है तो हमें क्या निकालना होगा, यू आई। ठीक है, तो चलिए यू आई का अलग से कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यू आई बराबर डी आई बटे एच, ये है। तो डी आई बटे एच, एच क्या है, वर्ग अंतराल, इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, देखिए सभी के बीच में 2 का गैप है तो वही आपके एच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो करना क्या है, डी आई में 2 का भाग, यानी जितने भी डी आई हैं सभी में 2 का भाग दे देना है। तो जैसे ही 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1 0, 1 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई का डी आई में गुणा करा देना है, यानी एक कॉलम हमें और अभी बनाना होगा। तो ये हमारा कौन सा कॉलम है, एफ आई गुणे यू आई, यू आई ये होगा। तो चलिए गुणा कराते हैं, 3 एकन्नम माइनस का 3, 2 दूनी माइनस का 4, 1 का गुणा 1 में कराएंगे माइनस का 1, 5 का गुणा 0 में कराएंगे 0, 6 एकन्नम 6, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9। ठीक है, अब यहां से हमें क्या प्राप्त करना होगा, सिग्मा एफ आई गुणे यू आई,
ये प्राप्त करना होगा, ठीक है। और इसे हम लोग जोड़ कर एफ आई इंटू यू आई निकाल लेते हैं। तो देखिए जोड़िएगा, चार सात चार 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 तीन सात एक आठ, माइनस का आठ हो गया, ठीक है। छः चार दस, दस में नौ जोड़िए, कितना हो गया, उन्नीस हो गया। और उन्नीस से आठ को घटा दीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, दोबारा चेक कर लेते हैं। चार तीन सात एक आठ, माइनस का आठ हो गया। छः चार दस, दस में नौ जोड़ेंगे उन्नीस, ठीक है। तो हमें उन्नीस से आठ को घटा देना है, कि आपको घटाना भी नहीं है, तब बिल्कुल आता है। इसे आप घटाएंगे तो कितना आने वाला है, ग्यारह आने वाला है। तो यहाँ पर आएगा कितना, ग्यारह। इसे हम मिट देते हैं, ठीक है। ये अब आपके समझाने के लिए बताया था। तो अब यहाँ पर हम तीसरी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी, पग विचलन विधि। तो माध्य बराबर, माध्य यानी एक्स बार बराबर आएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे हो जाएगा एच, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, देखिए सात है, प्लस एफ आई इंटू यू आई ग्यारह है, बटे में कितना आ जाएगा बीस, और गुणे में एच, एच की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली है, दो। तो ये काटेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा सात प्लस दस का ग्यारह, हम भाग देंगे एक दशमलव एक, यानी आया आठ दशमलव एक। देखिए तीनों की तीनों विधियों में एक ही आपका आंसर आएगा, जो पहली विधि में आएगा वही तीसरी विधि में आएगा, वही दूसरी विधि में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें कब प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना है, कब काल्पनिक विधि का इस्तेमाल करना है, कब पग विचलन विधि का इस्तेमाल करना है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बारंबारताओं की जो संख्याएं थी वो छोटी थी, तो छोटी संख्याओं में हम लोग आराम से प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चाहे कि हम तीनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यही संख्याएं और यही अंतर बड़े होते तो हम कल्पित विधि का इस्तेमाल करते, और ज़्यादा बड़े होते तो पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते, ठीक है। पग विचलन विधि से क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। इससे ये एक फायदा है, और गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, अगर पेपर में स्पेशली कह देता है कि आपको प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना है या कल्पित विधि का इस्तेमाल करना है और या पग विचलन विधि का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर छोटे छोटे अंक हमें इस तरह प्राप्त हो जाते हैं तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर एक समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें कहा गया दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, मजदूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छी लगे, तीनों विधियों हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यहाँ पर करने वाले हैं सेकेंड विधि का इस्तेमाल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था जब ये अंक छोटे मिले, अंक छोटे मिल जाते हैं तो हमें पहली विधि का इस्तेमाल करना है, जब थोड़े से अंक बड़े मिल जाते हैं तो हमें दूसरी विधि यानी कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कल्पित विधि का। तो यहाँ पर हम कल्पित विधि का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स आई तो ज्ञात ही करना होगा, एक्स आई, एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं, मध्य बिंदु, ये तो हमें ज्ञात ही करना होता है, हम चाहे जिस विधि का इस्तेमाल
करते हूँ। ठीक है, तो चलिए एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई आपको पता है कि निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है। तो देखिए 100 और 100, 220 में दो का भाग देंगे तो आएगा 110। क्या आएगा? 110। ठीक है, बीच में कितने का गैप चल रहा, देखिए 20 का गैप चल रहा। तो अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करके दो का भाग भी देंगे, तो इसके बीच में जो 20 का गैप आएगा, इसके बीच में जो 20 का गैप हो रहा, इसके बीच में भी 20 का गैप होगा। चाहे आप चेक कर सकते हैं, देखिए 120 और 140 कितना हो गया, 100, 100, 200, 160 हो गया। 260 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो 2 × 9 = 2, 2 × 6 = 0, कितना आया, 130। देखिए 20 का गैप है कि नहीं। तो आपको करना इतना ही है कि 20-20 सभी में जोड़ते चले जाइए। इसमें जोड़ेंगे तो 150 आएगा, 150 में 20 जोड़ेंगे 170 आएगा, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 आएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब हमें क्या निकालना होगा, पहले आपको हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा हमें क्या क्या निकालना है। तो दूसरी विधि का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा, कल्पित विधि। कल्पित विधि, ठीक है, कल्पित विधि। हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य, और माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार। फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, डी आई निकालना होगा। डी आई कैसे निकालता है आपको ज्ञात है। डी आई निकालने के लिए सिंपल सा हमें करना होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, एक्स आई की जो संख्या है उसके बीचों बीच वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। 150 ए निकल के आया, तो 110 से 150 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, 150 से 130 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, 150 से 150 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये आ जाएगा कितना, प्लस का 20 और ये आएगा प्लस का 40। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होगा, एफ आई इंटू डी आई। तो अगला एक हम और बना लेंगे, तो हो जाएगा एफ आई गुणे डी आई। अब हमें एफ आई और डी आई ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहां से एक लाइन हम लोग और खींच देते हैं। देखिए एफ आई इंटू डी आई मतलब इसका और इसका गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए 12 × 48 किसका, माइनस का और ये 0, 14 × 28 0, 8 × 0 में करेंगे 0, 6 × 12 यानी ये 120 और ये हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, आप वहाँ पेपर में इसे दो बार जोड़ेंगे, दो बार गुणा करेंगे। ठीक है, आपको ज़रूर चेक करना है कि कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक भी अक्षर अगर गलत हुआ तो पूरा का पूरा योग ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप लोग आराम से जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 8 8 16 6 1 4 2 6 6 1 7, ये किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, इसे आप लोग जोड़ लीजिए, 4 1 5 520 घटाएंगे 0, 6 × 2 = 4 और 7 × 5 = 2, किस में का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, चलिए इसे मान को रखेंगे, तो मान को रख लेते हैं, तो एफ आई इंटू डी आई, ये इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ आई गुणे डी आई, माइनस का 240 आया है, ए की वैल्यू पहले से हमने निकाल रखी है 150, तो यहाँ पर रखेंगे 150 प्लस एफ आई इंटू डी आई माइनस का 240
बटे सिग्मा एफ आई कितना निकाल के रखा हमने, 50। ठीक है, माइनस के पहले कोष्टक लगा देते हैं, जीरो से जीरो काटेंगे और उसके बाद आएगा 150 धन ऋण हो जाएगा 24/5। ठीक है, इसको काटेंगे 5 × 5, 5 × 20, 0 पड़ेगा 40 हो जाएगा, 5 × 8 = 40। तो इसको हम लोग घटा लेंगे, 150 − 4.8। ठीक है, इसको जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 145.2। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसे पहली विधि और तीसरी विधि से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जो संख्याएं थी वो थोड़ी छोटी थी, इसलिए हमने कल्पित विधि का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो पग विचलन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पहली विधि प्रत्यक्ष विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। ठीक है, अब माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, मतलब यहाँ पर माध्य दिया गया है। ठीक है, और लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आंकड़े पूरी तरह से दिए गए हैं, यहाँ पर एफ विलुप्त है, तो एफ हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए संख्याएं आपको छोटी छोटी ही नजर आ रही हैं, दोनों के बीच में देखिए गैप भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले पहली विधि कौन सी, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, और अधिकतर आपको जब कभी भी विलुप्त संख्या ज्ञात करना हो तो प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका होता है जब कभी हमें कोई विलुप्त संख्या ज्ञात करना हो, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स आई तो ज्ञात ही करना पड़ेगा, हम कोई भी विधि इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक्स आई तो निकालना ही निकालना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, और इसे हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, आपको पता है एक्स आई कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग जोड़ेंगे, 3 × 1 = 4, 1 × 1 = 2 यानी 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, कितना होगा 12। केवल एक निकालिए, इनके बीच में गैप देखिए कितने गैप है, 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, सेम गैप चलना तो 2 जोड़ते चले जाइए, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, 18, 20, 22, उसके बाद हो जाएगा 24। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना होगा एफ आई इंटू डी आई। हमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले से दी गई है, क्या दिया गया है, दैनिक जेब खर्च माध्य, यानी हमें माध्य पहले से दिया गया है, कितना है 18, ये पहले से पहले दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ से निकाल लेते हैं एफ आई गुणे डी एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एक्स आई, चलिए जोड़ इसका गुणा कर देते हैं, 12 × 7 = 84 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 24 हासिल 2 आएगा, 6 × 6 = 2 = 8। ठीक, 16 × 9 = 144 हो जाएगा, उसके बाद 13 × 18 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 20 एफ ही आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और इसका गुणा करेंगे 4 × 16 = 6 = 1, 4 × 2 = 8 = 9। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई की, तो यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई, देखिए एफ को तो हम जोड़ देंगे, ये तो अल्फाबेट है, बाकी इन्हें हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़िए इसको, 7 × 6 = 13, 13 × 13 कितना हो गया 26, 26 × 4 हो गया कितना, 26 × 4 = 30, 30 × 5 = 35,
35, 5, 40, 40, 4 कितना हो जाएगा? 44। तो ये आएगा 44 प्लस एफ, एफ हो जाएगा, ठीक है। और इसे भी अगर हम लोग जोड़ेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको आप लोग आराम से जोड़े, देखिए इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इस बीच वाले को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ, क्या आ जाएगा, 20 एफ, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहली विधि जो है, क्या नाम है उसका, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ये हम लिख सकते हैं, बाकी लिखे चाहे ना लिखे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो माध्य बराबर, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य दिया गया है 18, पहले से दिया गया है, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आया है 752, 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई आया है कितना, 44 एफ, 44 प्लस एफ, ये भाग से गुणे में जाएगा तो आएगा 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब 18 का हम लोग 44 में गुणा करेंगे, 18 का एफ में गुणा करेंगे, तो जैसे ही हम 18 का 44 में गुणा करेंगे तो आएगा 792, ये हो जाएगा 18 एफ, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। एफ की वैल्यू को एक तरफ करेंगे, इन्हें एक तरफ करेंगे, चलिए तो हो जाएगा 18 एफ, ये हो जाएगा माइनस 20 एफ बराबर 752, ये है 752 माइनस, ये जाएगा ये 792, इसे घटाएंगे तो माइनस का 2f आएगा, इसे हम लोग घटाएंगे, देखिए दो में से दो घटाएंगे जीरो, बड़ी संख्या से घटाएंगे, नौ में से पाँच घटाएंगे आएगा 4, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। और माइनस का तो आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, दो एक नम दो, दो दूनी 4, यानी f की वैल्यू जो आई वो कितनी है, वो है 20, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमेशा याद रखना है, जब कभी विलुप्त संख्या निकालनी हो तो हमें प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिल्कुल सटीक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि किसी भी विलुप्त संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ठीक है, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप इसमें कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पहली प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कल्पित विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें संख्या में ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कौन सी, कल्पित विधि का, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि तो बहुत ही आसान है, ठीक है, उसको आप लोग आराम से अपने मन से कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कौन सी, कल्पित विधि, ठीक है। तो देखिए, कल्पित विधि हो या कोई भी विधि हो, हमें एक्स आई निकालने की जरूरत पड़ती है तो पड़ती है। एक्स आई मतलब मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई। दोनों को आप लोग जोड़िए, जोड़ के दो का भाग दीजिए तो आ जाएगा कितना, 66.5।
बस केवल आपको पहले वाले को जोड़ के दो का भाग देना है, बाकी तो आप लोग तरीके से सॉल्व करें। कैसे? बीच में कितने गैप चल रहा? तीन का गैप चल रहा, तीन का गैप चल रहा, तीन जोड़ते सभी संख्या में चले जाइए। तो 66 में तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 69.5, 69 में तीन जोड़िए तो आ जाएगा 72.5, 72 में तीन जोड़ेंगे तो 75 में तीन जोड़ेंगे तो 78.5, 78 में तीन जोड़िए तो 75 3 78, ठीक है, 78 में तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11, यानी कि 81.5, 81 में तीन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84.5, ठीक है। डाउट रहे तो आप नीचे वाले को जोड़ के दो का भाग जरूर दे लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कहीं पर हमारी जो जोड़ना है वो गलत तो नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे? देखिए 6 3 कितना हो जाएगा 9, 8 8 16, 8 8 16, 2 का भाग देना, देखिए भाग देंगे 2 8 16 और 2 4 8.1, बढ़ गया 2 5 10, नीचे वाला भी राइट आ रहा, इसका मतलब हमारा योग सही है। अब इसे हम मिट देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कहा कि दूसरी विधि का इस्तेमाल करने वाले, दूसरी विधि कौन सी है? जो दूसरी विधि है वो है कल्पित विधि, यहाँ पर लिख देंगे कल्पित विधि, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कल्पित विधि द्वारा, कल्पित विधि द्वारा क्या निकालना है? माध्य, माध्य को हम लोग एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला सिंपल सा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये है। हमें अब डी आई ज्ञात करना होगा, तो डी आई ज्ञात करने के लिए हम लोग अलग से कॉलम बना लेते हैं। डी आई यानी विचलन, हिंदी में हम लोग इसको विचलन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? विचलन। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए से। अब एक्स आई ये पूरी की पूरी संख्या है, ए हमारा कौन होगा? एक्स आई की जो भी संख्याओं में बीचों बीच का होगा वो हमारा ए होगा, ये देखिए ये होगा हमारा ए, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग घटाएंगे, देखिए 66.75.5 से 66.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है, वो भी किसका? माइनस का। 69.5 से 75.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6, इसे घटाएंगे तो माइनस का 3, इसको आपस में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 75.5 को हम लोग 78.5 से घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 3 आएगा, इससे घटाएंगे तो 6 आएगा, और इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। एक बार लास्ट वाला घटा के हम लोग देख लेते हैं कि हमारा बिल्कुल राइट है या नहीं, ठीक है। तो आपको चेक जरूर करना है, तो देखिए 84.5 से कितना घटा देना है? 75.5, देखिए 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 14 में से 5 गए 9, ये बचेगा कितना? 0, यानी कि हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसे हम मिट देंगे और उसके बाद हमें क्या निकालना है? एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई और डी आई का अलग से कॉलम बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन हम लोग और खींच लेते हैं, आगे देखिए एफ आई गुणे डी आई, ये अब हम लोग गुणा करेंगे इसका, देखिए 9 2 18 माइनस का 6 4 24 हो जाएगा, माइनस का 3 3 9 माइनस का होगा, 8 का गुणा 0 में करना है 0, 7 3 21 प्लस का 6 4 24 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और चाहे तो देखिए सीधे से डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 24 से 24 घटाएंगे तो कट जाएगा, 18 प्लस का है 18 माइनस का है, तो बचे हुए कम देखिए ये वाला हो चुका 18 के साथ, ये हो चुका 24 के साथ, ये हो चुका 24 के साथ, ये हो चुका। अब केवल 21 से हमें 3 घटाना है, तो ये हो जाए 11, 11 में से 9 जाए कितना आ जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ आई गुणे डी आई ये ज्ञात कर रहे हैं। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा और ये कितना बचेगा 1, यानी कितना आ जाएगा केवल और केवल 12 आ जाएगा। बस इस वैल्यू इन सभी वैल्यू को इसमें रखना है। अच्छा इसे हमें ज्ञात करना बाकी है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसे हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे देखिए 2 8 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 4 8 2 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 7 27 3 30 कितना आ जाएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब वैल्यू को रखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी निकली है, 7 75.5 प्लस एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू 12 प्लस 30, इसे हम लोग काटेंगे 3 से 0 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं, 75.5 प्लस 4 में 10 का भाग देंगे 0.4 आएगा, और इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 75.5 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 75.9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आता है तो आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, जिसमें आमों की संख्या वर्गांतराल में दी गई है और पेटियों की संख्या दी गई है, ठीक है। और कहा गया एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें माध्य ज्ञात करना है। और कहा गया अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर जिस विधि का प्रयोग करना है उसका हमें क्या बता देना है, नाम बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पेटियों की संख्या यानी बारंबारता की संख्या भी बहुत बड़ी दिख रही है, और यहाँ पर देखिए आमों की संख्या भी बड़ी दिख रही है। इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई कराने में केवल और जैसे प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाली विधि इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, तीसरी विधि, जिसका नाम है पग विचलन विधि। तो यहाँ पर लिख देते हैं पग विचलन, क्या लिखेंगे, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि द्वारा क्या निकालना है, माध्य, माध्य यानी एक्स बार, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे में क्या हो जाता है, एच, ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्स आई निकालना होगा। चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एक्स आई। तो देखिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना है, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे 50 50 100 102 102 का आधा यानी 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 51, ठीक है। अब यहाँ पर केवल हमें एक काम करना है,
बीच का अंतर देखना है कितना है, यानी हम यहाँ से h निकालेंगे, यानी h कितना है, 3 है। दोनों के जो बीच में जो अंतर है वो 3 है, तो हमें इस संख्या में 3 जोड़ते चले जाना है। तो 51 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें UI आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। UI निकलता है XI माइनस A अपान DI से, एक मिनट सॉरी, XI माइनस A अपान H से, ठीक है, ऐसे निकलता है। और ये कैसे निकलता है, XI माइनस A ये निकलता है DI बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब पहले हमें DI निकालना होगा फिर UI निकालना होगा, तो चलिए हम लोग पहले DI निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग DI, तो DI निकले कैसे, XI माइनस A, ठीक है। ये सारी संख्या हमारी XI है, A कौन होगी, बीच वाली संख्या, ये होगी A। 57 से आप लोग 51 घटाएंगे, किससे, 51 से 57 घटाना है तो माइनस का 6, 54 से 57 घटाएंगे तो माइनस का 3, 0, ये आएगा कितना 3, और ये आ जाएगा कितना, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, आप चाहे तो घटा सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, DI हमने निकाल लिया, अब UI निकालेंगे, ठीक है, इसको मिट देते हैं। अब निकालेंगे UI, ठीक है। UI कैसा निकलता है, XI माइनस A निकाल लेना है, यानी DI निकाल लेंगे, उसमें देना है H का भाग। H हमने कितने निकाल लिया था, देखिए 3 निकाल लिया था, तो सभी में 3 का भाग देते चले जाना है। तो 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 0, 1, 2, देखिए कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, कितनी बड़ी थी और कितनी छोटी हो गई। तो बस करना क्या है, हमें इसका इसमें गुणा कराना है, क्योंकि हमें निकालना होगा FI इंटू UI, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना होगा FI गुणे UI, ठीक है। तो FI और UI गुणा कराएंगे, देखिए 15 दूनी 30, यानी हो गया माइनस का 30, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का 110, ये गुणा करेंगे तो 0 होगा, 115 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 115, 25 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा कितना 50, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना है क्या, सिग्मा FI UI, मतलब इसका जोड़, ठीक है। आराम से आप लोग इसका जोड़ निकालेंगे, तो जैसे इसका आप लोग जोड़ निकालेंगे कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 25, क्या निकल के आएगा 25, ठीक है। और इसे हम लोग जोड़ेंगे, ये होगा सिग्मा FI, इसे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, ये निकलेगा 400, ठीक है। बस अब क्या करना है, केवल वैल्यू को इसमें रख देना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 57 है, 57 प्लस FI सिग्मा FI इंटू UI कितना आया है 25, बटे सिग्मा FI आया है 400 गुणे H की वैल्यू है 3, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 5 × 25, 5 × 48, 0, 5 × 5, 5 × 5, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 5 × 6, 30, यानी यहाँ से आने वाला है 57 प्लस 3/16, यानी इसको हम लिखेंगे 57 प्लस
16 का भाग 3 में आप लोग दे सकते हैं। तो ये आने वाला है 0.1875। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 57.1875। लगभग में इसे हम लोग लिख सकते हैं 57.19। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए पग विचलन विधि से कैलकुलेशन कितनी छोटी हो जाती है, ठीक है। जब कभी आपको संख्याएं बड़ी नज़र आ जाएं तो आपको पग विचलन विधि का इस्तेमाल करना है, और अगर ये संख्याएं छोटी नज़र आ जाएं तो आप लोग सीधा सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। दैनिक व्यय रुपए में लिखा गया है, परिवारों की संख्या आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। कहा गया एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस विधि का उपयोग करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम सबसे छोटी, कहने का मतलब है जिसमें हमें कैलकुलेशन बहुत ही छोटी करने की आवश्यकता होती है, उस विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पग विचलन विधि द्वारा माध्य, यानी कि एक्स बार। तो पहले हम लोग सीधे सीधे फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई गुणे हो जाता है एच, ठीक है। तो हमें पहला नंबर क्या निकालने की आवश्यकता होगी, पहला नंबर निकालेंगे एक्स आई, ठीक है। एक्स आई मतलब मध्य बिंदु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। देखिए 100, 200, 250 का आधा करेंगे तो 125 आएगा, 125, ठीक है। देखिए बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर, यहाँ पर भी हमें 50 जोड़ते चले जाना है। तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 75 आएगा। 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 आएगा, 225 से 50 जोड़ेंगे तो 275 आएगा, ठीक है। और 275 में अगर आप लोग 50 जोड़ेंगे तो 325 आएगा, 325, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, DI निकालना है, क्या निकालेंगे, DI, ठीक है। क्यों DI निकालेंगे, क्योंकि हमें UI निकालना है, और आपको पता है कि UI बराबर फार्मूला क्या होता है, DI/H। उसके पहले हम लोग DI निकालेंगे, यानी XI-A, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं DI, तो DI बराबर हो जाता है XI-A। एक्स आई ये सारी की सारी संख्या है, ए हमारा ये हो जाएगा बीच वाली संख्या, यानी ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, बीचों बीच है, ठीक है। 225 बीचों बीच है, और 225 से 125 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 100। 125 से 225 घटाना है, कितना आ जाएगा, माइनस का 100। इसे घटाएंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 50, और ये आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, UI निकालना है। तो चलिए UI निकालते हैं, तो UI निकलता है DI/H। तो आपने H नहीं निकाला, तो H सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, अंतर है 50 का, सभी में 50 का अंतर है, यानी H की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। सभी में 50 का भाग दे दीजिए, 50 दूनी 100 हो जाएगा,
ये माइनस एक, जीरो, एक, ये होगा दो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ आई गुणे यू आई। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इसका इसमें गुणा करा देना है क्योंकि ये एफ आई है। चार दुनी माइनस का आठ, पाँच इकन्ना माइनस का पाँच, ये हो जाएगा जीरो, दो इकन्नम दो और दो दूनी चार। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई यानी सभी का जोड़, इसे जोड़िए, आठ पाँच तेरह, माइनस का तेरह और चार दो छः, तेरह से छः जाएंगे कितना आएगा, माइनस का सात आ जाएगा। इसे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई को आप आराम से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पच्चीस। बस वैल्यू को रख देना है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 225 है, तो ये होगा 225 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आया है माइनस का सात बटे सिग्मा एफ आई 25 गुणे एच की वैल्यू दी गई है, देखिए 50, ये यहाँ पर। ठीक है, इसे काटेंगे 25 दूनी 50, तो यहाँ से आएगा 225, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 दूनी 14। इसे हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 में से 4 जाएगा एक आएगा, 2 में से 1 जाएगा एक आएगा और ये बच जाता है 2, यानी 211 आएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोग आराम से अच्छे से इन क्वेश्चनों का रिवीजन करके जाइएगा पेपर में, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसना है तो फंसना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।